नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत दिनों मांडव में धार के व्यक्ति को फोटोशूट करने के बहाने बुलाकर उनसे उनका कैमरा व मोबाइल अज्ञात बदमाश छीन कर ले गए थे। फरियादी के द्वारा मांडव थाने पर FIR दर्ज करवाई गई। मांडव पुलिस के द्वारा लूटे गए दोनों मोबाइलों की कॉल डिटेल धार की साइबर सेल के द्वारा निकलाई गई, जिसमें एक संदिग्ध नंबर मिला जो जीराबाद का होना पाया गया। इस पर दो आरोपियों को अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर पुलिस ने दर दबोचा और इनसे एक कैमरा कैनन कंपनी का व एक मोबाइल जब्त किया गया है। वही एक आरोपी फरार है। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। धार पुलिस ने 3 लूट के मामले हैं उनका खुलासा कर किया है। पहला जो मामला है वो मांडव थाने का है, जिसमें 8 तारीख को एक घटना हुई थी। इसमें ये जो फोटोग्राफी का काम करने वाले दो लड़के हैं, इनको एक फ़ोन आया कि हमें कुछ फोटोग्राफी करानी है मांडव और लोकल कोतवाली में। तो ये इनको लेके मांडव गए, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे 3 जो आरोपी लड़के थे वो थे, और ये जो फोटोग्राफर्स हैं ये अपनी अलग मोटरसाइकिल पे थे। मांडव से कुछ दूर पहले ये लोग रुके और जैसे ही फोटोग्राफी की तैयारी हुई तो उन्होंने बोला, उन्होंने उनका उनको लालच आ गया कि ये जो कैमरा देख के, कैमरा एक 35,000 का कैनन का कैमरा इन लोगों के पास था, तो आरोपियों द्वारा वो कैमरा लूट लिया गया। और इस पूरे प्रकरण की को इन्वेस्टिगेट करते हुए मांडा पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया और लूट में गए हुए एक मोबाइल और एक कैनन का जो कैमरा है उसे रिकवर किया। दूसरा